एक गाड़ी पे तीन लोग बैठते, हेलमेट कहाँ है? सर भूल गए। भोसड़ी खाना खाना भूलता तो मैं। चुप। कहाँ रहता है? सर विकास नगर, मकान नंबर 420। और तू कहाँ रहता है? सर इसके पीछे वाले मकान में। इसके पीछे कोई मकान भी है? ओए दिखा बे, दिखा। एक तो एक गाड़ी पे तीन लोग बैठते हो, ऊपर से दारू पिए हो, अभी कल को एक्सीडेंट हो जाए तुम्हारे घर वाले कौन जवाब देगा? बताओ साले, इतने प्यार से तुम्हारे माँ बाप भी तुमको नहीं समझाएंगे, लेकिन तुम लोग समझ नहीं आता। सर मैंने इनसे कहा था कि तीन लोग गाड़ी पर अलाउड नहीं है, रमेश को ले लो, चार लोग हो जाएंगे और फिर कोई दिक्कत ही नहीं। दिन बिगाड़ा, काम बिगाड़ा, और साले कितनी बार बोला कि गाड़ी पी के दारू नहीं चलाना चाहिए, लेकिन तुम लोग नहीं समझ आता। अभी भी साला बेशरम की तरह उनको देख रहा है। ये नहीं कि 500 रुपए घूस दे के उनको घूस कर दिया जाए। तेल रहने के लिए पैसा नहीं, उनको कहाँ दे दें घूस? पैसा नहीं है कोई बात नहीं, उनसे डरना नहीं चाहिए, उनसे बिल्कुल नहीं डरो, वो सब हम लोग की सेवा के लिए बने हैं। सर थोड़ी सेवा करिए, इसमें 150 का पेट्रोल डलवाइए। चल तेरी सेवा करता हूँ थाने में। अरे हाथ लगाने का सर अधिकार नहीं है। चल तेरी प्रधान जी से बात करिए, प्रधान जी से। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं बस जनता को यही संदेश देना चाहूँगा, कभी भी दारू पीकर गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, चलाना क्या साला, पीछे बैठना भी नहीं चाहिए। और दारू के नशे में कभी भी पुलिस वालों से बहस ना करें, क्योंकि वो लोग सारा नशा उतार देते हैं। अरे आपके चेहरे पे क्या हुआ? अरे वो पुलिस वालों ने थोड़ी इनकी सेवा कर दी है,